बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक नंबर 21 करा रहा हूँ, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। 4 नंबर के अंदर काफ़ी बार पूछा गया ये शॉर्ट नोट के अंदर, और काफी बार क्या है ये अटैचमेंट के अंदर भी पूछा जा चुका है। 16 नंबर के अंदर किस प्रकार वो बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन 16 नंबर के अंदर बताओ, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेपर में ये क्वेश्चन आपको कैसे अटैम्प्ट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, इसके अंदर हम बात करेंगे कि सोशलाइजेशन का क्या महत्व है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लाना होता है, अपने बिहेवियर के अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर, अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। या आप ये भी कह सकते हैं इंसान को क्या है, समय के साथ साथ अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अंदर जरूर बदलाव लाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं इससे बेसिकली होता क्या है। इसके अंदर पहला पॉइंट दिया गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखी है, पढ़ लेते हैं क्या है वो लाइन। सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बायोलॉजिकल बींग इंटू ए सोशल बींग। काफ़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी है ये। सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, फर्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपने बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के अंदर पर्सनैलिटी वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पर्सनैलिटी क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी भी इंसान की एक्सटर्नल अपीरियंस कैसी है, मतलब वो दिखता कैसा है, उसके आँख नाक कान हाथ पैर कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, उसके नैन नक्श कैसे हैं, इसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं। नहीं, ये सिर्फ पर्सनैलिटी का एक फीचर है। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। जो हमारा टेंजिबल एस्पेक्ट होता है उसके अंदर तो एक्सटर्नल अपीयरेंस आ जाती है, मतलब बंदे के हाथ नाक कान पैर कैसे, और जो इंटरनल है एक दूसरी होती है इंटेंजिबल, जिसको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं। इंटेंजिबल के अंदर हम ये देखते हैं बंदे का बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी है, मतलब उसकी क्वांटिटेटिव देखते हैं, क्वांटिटेटिवली बंदा कैसा है, इसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर बेसिकली लिखा क्या हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रुप्स और सोसाइटी नो मैन कैन डेवलप ए पर्सनैलिटी ऑन हिज ओन। बिल्कुल सही बात है, बिना सोसाइटी की मदद के कोई भी बंदा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो नहीं कर सकता। पर्सनैलिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही। बट सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच द पर्सनैलिटी ऑफ द न्यू बोर्न चाइल्ड इज शेप्ड एंड मोल्डेड। बिल्कुल सही बात है, सोशलाइजेशन की मदद से बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी पर्सन की सोच को बदल सकते हैं, उसके एटीट्यूड को बदल सकते हैं, उसके बिहेवियर को सोसाइटी के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है इंडिविजिबलाइजेशन का। इसके अंदर इंडिविजिबलाइजेशन का मतलब है बंदे को क्या है, इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करी जाती है, उसको फ्रीडम दे दी जाती है, उसको कहा जाता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। इसके अंदर यही है, इट इज ऑल्सो ए स्पेशल प्रोसेस विच टेंड टू मेक द इंडिविजुअल मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ हिज ग्रुप। बिल्कुल ठीक, एंड टू क्रिएट इन हिम सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ हिज ओन। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है बींग डिसिप्लिन का। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को गलत दिशा में जाने से रोकना, उनके अंदर अच्छी आदतों का डेवलपमेंट करना, उनके अंदर मॉरल वैल्यू डेवलप करना, उनके अंदर अच्छा एटीट्यूड आए, अच्छा बिहेवियर आए, इसकी कोशिश करना। बींग डिसिप्लिन का मतलब मेनली यही है,
जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है किसी इंडिविजिबल से वो पूरी कर सके। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इट इज ए सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग इज असेंशली द लर्निंग ऑफ रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। बिल्कुल ठीक बात। इट इज द वैल्यूज आइडियाज एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग देम। ठीक है। सोशलाइजेशन डिसिप्लिन्स एंड इंडिविजुअल एंड हेल्प देम टू लाइव अकॉर्डिंग टू दी सोशल एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर क्या है, बंदे के अंदर क्या है, यहाँ पर देश भावना की भी बात आती है। अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, जब कोई वो गलत काम कर रहा होता है अपने देश के बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचे। डिसिप्लिन में रहते हुए ही सारे काम करे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज के अंदर अशांति फैले या समाज का नाम बदनाम हो या फैमिली का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई काम नहीं करना, प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर रहना है। और सोशलाइजेशन डिसिप्लिन में रहने में काफ़ी मदद करता भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर फोर्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग सोशल डिस्टेंस। जो ये मैं आपको 5 पॉइंट करा रहा हूँ, सबसे ज़बरदस्त पॉइंट यही है। सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है कि इससे होता क्या है, बेसिकली जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग जगह से जो आए हुए हैं लोग हैं, उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम होता है। वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर को अपनाते हैं, प्लस एक दूसरे के जो उनकी प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको अटेंड करते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो खाई है धर्मों की जातियों की, वो क्या है, भर जाती है। उनके बीच में सोशल डिस्टेंस कम हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं लिखा क्या है इसके अंदर। वैसे सोशलाइजेशन रिड्यूसिस सोशल डिस्टेंस एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर इफ प्रॉपर अटेंशन इज गिवन टू इट। बिल्कुल ठीक। बाय गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर अर्ली ईयर्स इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द सोशल डिस्टेंस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट रेस रीजन्स रिलीजन्स एंड प्रोफेशन। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देने की बात करी गई है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, तो वहाँ पर टीचर को चाहिए कि वो क्या है, पढ़ाते टाइम जात धर्म की बात ना करे, सबको एक समझे। चाहे कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लड़कियाँ हैं या माइनॉरिटीज हैं या कोई भी है, सबको एक समझ के पढ़ाए और एक जैसी चीज़ें पढ़ाए, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ना करे। इससे होगा क्या, सोशल डिस्टेंस क्या है, रिड्यूस होगा। उम्मीद आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, भाईचारे के ऊपर फोकस करा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सोशलाइजेशन है वो भाईचारे को बढ़ावा देता है, यूनिटी को बढ़ावा देता है, इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है फुलफिलमेंट का, फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन, मतलब आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सोशलाइजेशन काफ़ी हेल्प करता है। कैसे, चलिए पढ़ लेते हैं। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फुलफिलिंग डिसिप्लिन एंड एस्पिरेशन। ठीक है। डिसिप्लिन इट सेल्फ डस नॉट गिव एनी अवार्ड टू दी पर्सन। ठीक है। बट इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग ऑफ एस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप समाज के अंदर कोई बंदा डिसिप्लिन के अंदर रह रहा है, कोई मतलब गलत हरकत नहीं कर रहा या कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे सोसाइटी का नाम बदनाम हो रहा है, उसको कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जो हमारी सोसाइटी की एस्पिरेशन है, जो आकांक्षाएं हैं, वो जरूर पूरी कर रहा है। एस्पिरेशन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा। द टास्क ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हेल्प इन इट्स आइडियल फुलफिलमेंट। बिल्कुल सही बात है। सोशलाइजेशन क्या है, एस्पिरेशन को फुलफिल करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 5 पॉइंट बताए हैं इंपोर्टेंस के अंदर। पेपर में आपको क्या है, कोई 4 लिखने हैं इनमें से, इससे बड़ा इसका क्वेश्चन आएगा नहीं कभी। आपको अगर कोई पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हटा सकते हैं, अपना खुद का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो भी आप हटा सकते हैं, अपनी खुद की लाइन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी ईमेल आईडी है BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन @gmail.com। ये मेरे यूट्यूब का नाम है BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन। BEd के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरी इस ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना मैं व्हाट्सएप पर हूँ, ना मेरा कोई फ़ोन नंबर है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ना मैं किसी को नोट्स देता हूँ, ना पैसे के बदले नोट्स देता हूँ,
ना ही किसी से पैसे का लेन देन करता हूँ, ना ही किसी से आज तक फ़ोन पर बात करी है। अगर हमारे चैनल के नाम पर कोई आपसे धोखाधड़ी करता है या पैसे मांगता है तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। हम किसी से पैसे वगैरह नहीं मांगते हैं। सावधानी बरतिए, दुर्घटना से बचिए, हमारे चैनल के नाम पर कोई फ्रॉड करे उससे बचिए। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को खाली टाइम में लैंडस्केप मोड में लीड लगा के ज़रूर देखिए और वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को काट काट कर बिल्कुल भी ना देखें। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।